और हमारा सामान भी आ गया। तो अलहमदुल्ला अभी रेडी हो गए हम सब। सब अभी रेडी हो गई। चप्पल देखो, चप्पल 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 ये कभी जल्दी चला करो बेबी। आज मैं बिल्कुल जल्दी हुई हूँ। मेरा जल्दी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से वो वक्त आ गया है जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था। जब से शादी के पहले से हमने सोच के रखा था कि हम सबसे पहले कहीं जाएंगे तो उम्रा पे जाएंगे। बाकी बातें बाद में करते हैं फ्रेंड्स। अभी बस यही पहले उम्रा करके आते हैं क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा। खाली आराम वालों को एंट्री है ना, बिना आराम वालों कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। थोड़ा बिस्मिल्लाह करके उम्रा करते हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मुकम्मल करके आपसे मिलेंगे ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तवाफ कंप्लीट होने के साथ असर का टाइम हो गया था तो हमें काबे के पास जमात के साथ नमाज अदा करने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ करने के बाद जमजम भी पी लिया है हमने। तवाफ के बाद अब हम जा रहे हैं सफा और मरवा की तरफ। पहले हमें काबे की तरफ देख के दुआ करनी है। तो ये है सफा का पहाड़। मैंने सोचा दिखा देती हूँ जो लोग अब तक नहीं आ पाए हैं तो उनके लिए। लेकिन आप लोग दिल नहीं छोटा करिए, अल्लाह आपको जल्दी बुलाएगा। अभी हम है सफा की तरफ। अब हमें मरवा की तरफ जाना है, फिर यहाँ आना है। ऐसे करके हमें 7 राउंड्स लेने हैं जो कि 3.15 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन अल्लाह उस वक्त अलग सी हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं कि सारे लोग किसी भी एज के ये करते जाते हैं। ये रही फ्रेंड्स मरवा की पहाड़ी। यहाँ के भी दुआ करते हैं सब। और अगर किसी को चलने में परेशानी है तो वहाँ पे व्हीलचेयर भी अवेलेबल है। उम्रा हमारा हो चुका है, अभी हम इस तरफ निकले हैं। और सामने अगर आपको जो घर दिख रहा है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का घर है। वो यहाँ पे पैदा हुए थे। और यहाँ पे साइड में जमजम के लिए जगह बनी है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जमजम मिलता है, जो चाहे जितना ले सके। हम सबका उम्रा जो है मुकम्मल हो चुका है आप सबकी दुआओं से। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे पास में कोई खाने की जगह देखने के लिए। और सनी को, पापा को, सबको अपने जो हेड है वो शेव भी कराना था तो वो वहीं पे जाके कराएंगे। लंच हम लोगों ने किया नहीं था, सोचा था पहले उम्रा कर लेंगे उसके बाद सब चीजें। तो अभी हमने खाने में ये सारी चीजें ले ली है। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था तो हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। और अभी हम आ गए हैं ये बार्बर की शॉप पे। आ तो सही। तुम इस तरह देखो, इस तरह से क्या भैया, दिस इज फॉर यू। ओ वाओ, आपने ऑर्डर किया? अरे तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हारे लिए है बस ये चीज। मैंने किया, किसने किया, कैसे आया, डजंट मैटर। तो ये सब क्या है, मतलब ये सब तुम्हारे लिए है। अभी तुम उम्रा करके आई हो, थक गए हो, तुम्हारे लिए सब चीजें जरूरत नहीं। आपने क्या क्या बोला था हमसे? कुछ मैंने कुछ नहीं बोला था, वो सब कुछ आ गया है। वाओ, मैं सोच ही रही थी कि ऐसे मतलब अभी गावा मंगाऊंगी पीऊंगी क्योंकि हमने चाय नहीं पीती ना वहाँ पे। ये गावा ही है ना? हाँ, अरे अभी गावा है। और ये खजूर, स्वीट्स, हाँ, फ्रूट्स, यानी ऑल्सो स्वीट्स, वाटर, और पूरा फैशन सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से तोहफा के। एक और बात पे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के लिए क्योंकि जो शबे बरात है वो हमें यहाँ मक्का में पड़ी तो हम काबे के सामने रह के दुआएं कर पाए, नमाजें पढ़ पाए, इबादत कर पाए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह कबूल करे। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस वक्त पे उमरा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको बुलाए। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ना थक गए, बॉडी में एनर्जी है। हाँ। लेकिन पैरों में धूल रही है, बहुत दर्द कर रहे हैं। चलो आराम करो, कोई सहारा मिल जाए बस। लोग जाओ, लोग को रूम निकलना, बहुत अच्छे ठंड लग रहे हैं। देखो सहारा मिल गया तुम्हें। माशाल्लाह।
अपने रूम। शबे बारात थी तो रात भर जाग के इबादत करनी थी, दुआएं करनी थी, नफिलें पढ़नी थी, तो हमने सब कुछ करा, सबके लिए दुआएं की हैं। सहरी का वक्त हो गया है तो ज्यादा भूख नहीं थी तो फिर सिर्फ बनाना खा लिया था। भैया मेकअप यहाँ का बहुत महंगा होगा तो पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तब लेंगे, ठीक है, या दुबई से लेंगे इंशाल्लाह। या हाजी हाजी वेंडो वेंडो अकेले अलियो में तसो रोजा। हाँ के माँ बाबा केस केस मुझे नहीं पता कैसे हैं। हाँ कलाम कलाम गुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सबा को अफ्तार करना है, मेरा सबको अफ्तार करना है तो कुछ लेके आते हैं। ये वाला KFC खाली मिल गया, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है तो हम यहीं से बर्गर ले लेते हैं, आज बर्गर खाने का मन था। यहाँ पे ना हर जगह जगह जूसेस की फ्रूट्स की शॉप होती है तो हमने यहाँ से जूसेस ले लिए हैं और इफ्तार के लिए ये हो गया इफ्तार के लिए। फ्रेंड्स सारी चीजें ले ली, अभी हमारे पास 20 मिनट्स बचते हैं, हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है वरना हरम का जो दरवाजा है ना वहाँ से बंद हो जाता है, निकलने नहीं देते, भागना है हमको। फाइनली हमने जो बाउंड्री है वो पार कर ली, हम अंदर आ चुके हैं, वो पीछे बाउंड्री थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, एक बार में सारी इतनी सारी जो तमन्ना ना वो पूरी हो गई। यहाँ पे बड़ी रात भी मिल गई, यहाँ का रोजा भी मिल गया, यहाँ का इफ्तार भी हो रहा है। अफ्तार का टाइम हो गया है, बस बैठी है सबा और ये खाने का। मम्मी पापा आ रहे हैं, उनको कलीम लेके आ रहे दूसरी साइड से। इफ्तार हो गया है फ्रेंड, मगरिब की नमाज हो गई है, ऊपर आ गए हैं, अभी सामान पैक कर रहे हैं क्योंकि हम निकल रहे हैं ताइफ के लिए, वहां से हम निकलेंगे रियाद के लिए, फिर वहां से जाएंगे दमाम बाजी के यहाँ, तो काफी लंबा सफर है लेकिन हम लोग बाय रोड जा रहे हैं। सनी ने सोचा है कि इतने दिनों में जितनी कंट्रीज सॉरी जितनी सिटीज कंट्रीज सिटीज दिखा सकते हो सनी की वो सब दिखा दूं, तो वो अभी हमें लेके जा रहे का टाइम, क्योंकि हर जगह दोस्त है, हर जगह लोग बुला रहे हैं मिलने वाले हैं, तो हमने कहा ये बात भी सही है और हमें जाना तो दमाम की तरफ है तो रास्ते में जो जो मिलेगा हम हर जगह होते हुए जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज हमने जो परफ्यूम खरीदा है ना, अब इतनी सारी जगह तो नहीं है कि डब्बा भी लेके जाए, दुखी दिल से पत्थर रख के डब्बा हमें हटाना पड़ेगा जो कि कितना अच्छा था ना। मैं अपने बैग में डाल दूंगा। नहीं नहीं मक्का में हमारा सफर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं लेकिन बहुत अजीब लग रहा है जाने में, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें फिर से दोबारा यहीं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आए और आप सबके लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इतनी मुबारक जगह दिखाए, दुनिया की सबसे अच्छी जगह, सुकून वाली जगह, सुकून वाली जगह मक्का और मदीना। और जो लोग नहीं आ पाए ना तो आप लोग दिल नहीं छोटा करना, हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता बनाएगा।